हेलो गाइस, आर से वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू डर माय चैनल। और आज के डर में हम लोग वापस खेल रहे हैं GTA 5। और आज का डर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी ब्रांड न्यू इंडियन कार की इंपोर्टिंग, जो कि होने वाली है महिंद्रा XUV500 2019 वाली मॉडल। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना और मज़ा आया तो लाइक मारना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे GTA 5 इंडियन मॉड्स के वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। अभी चलो गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और आज गैस हमने वीडियो शुरू किया अपने वाइनवुड वाले घर से। हमने गैस एक और घर लिया था रिसेंटली, तो हम यहाँ से वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और ये सब गाड़ी गैस हमारे मतलब जो भी सर्वेंट और जो भी हाउसकीपर है उनका गाड़ी है, तो यहाँ पे काम चल रहा है तो उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी है। और माइकल का यहाँ पे टाटा पंच खड़ा है यार, ब्रांड न्यू कंडीशन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइस यही गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं सीमेंट के डीलरशिप पे। चलो गाइस गाड़ी में बैठते हैं और चलते भाई डीलरशिप पर। आप लोग देख सकते हो क्या ही प्यारे लुक्स है यार अपने टाटा पंच के। एंड गाइस मुझे जरूर कमेंट्स में बता देना यार आपको ऐसे GTA 5 मॉड्स के वीडियोस कैसे लगते हैं चैनल पे, और आपको क्या क्या नेक्स्ट वीडियोस चाहिए वो भी बता देना, सजेस्ट कर लेना टॉपिक्स। बहुत सारे गाइस चैलेंज वीडियोस भी आने वाले हैं इंडियन कार्स के ऊपर, सो यार जरूर से स्टे ट्यून्ड रहना। और गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं आज के वीडियो में। आज गाइस क्या ही यार क्लियर है पूरा मौसम, कुछ भी बारिश वारिश का सीन लग ले रहा है, पूरे बादल है और कड़क धूप है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और माइकल गाइस आराम से अपनी गाड़ी चला रहा है वाइनवुड के गलियों में। गाइस ये कार ना मुझे बेस्ट लगता है ये रोड्स के लिए, एकदम जल्दी से इधर उधर निकल जाती है कार, इसलिए गाइस हमने ये टाटा पंच को यहाँ पे वाइनवुड के घर में रखा है। और गाइस अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो आपको पता ही होगा कि माइकल के जो मेन मैंशन है वहाँ पर कितने सारे गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर गैरेज का स्पेस ही नहीं है भाई, ऑलमोस्ट भर गया है, इसलिए हम लोग गाड़ियाँ शिफ्ट करना चालू कर दिए गैरेजेस में और घर में। गाइस अभी क्या ही भगा रहा है यार माइकल सिटी में, आप लोग यार स्पीडोमीटर देखना। गाइस मानना पड़े यार माइकल क्या ड्राइव कर रहा है। गाइस मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा XUV जो 500 है हमने उसे मंगाया है सनसेट रेड में और ब्लैक में, दो कॉम्बिनेशन का कलर है उसका। रूफ रहेगा ब्लैकिश टाइप का और बॉडी का कलर रहेगा सनराइज रेड। बहुत ही गाइस हमें वेट करना पड़ा था इसकी इंपोर्टिंग के लिए, क्योंकि भाई ये कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, वाइट और सिल्वर ज़्यादा अवेलेबल थी जो कि सब जगह देखने मिल जाती है, लेकिन गाइस हमें यार अपना टेस्ट अलग है तो हमने वो मंगा के रखी थी, और आज हमारे पास फाइनली डिलीवर होने वाली है। यहाँ पर गैस कर देते हैं पंच को पार्क और चलते भाई डीलरशिप में और बात करते सीमेंट से, और थोड़ा बहुत गए पेपर वर्क और पैसे देने भी बाकी है तो वो भी जुगाड़ करके आपसे बात करता हूँ। तो फाइनली गैस अपनी डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, और गैस सब पेपर वर्क सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और हमारे हाथों में सीमेंट ने दे दिया XUV500 की चाबी। सो गैस अपने पीछे खड़ी XUV500 मैं आपको दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। और जैसा आप लोग देख सकते हो अपनी महिंद्रा XUV500 2019 मॉडल हमारे सामने खड़ी है गाइस, फुल ब्रांड न्यू कार है। मैं आपको गाइस पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ, भाई क्या ही कलर है यार, नेक्स्ट लेवल कलर है गाइस, वर्थ था इतना वेटिंग ये कलर के लिए, सनराइज रेड एंड ब्लैक ऊपर रूफ का कॉम्बिनेशन। और गाइस ये आपको पता है कि ये टॉप एंड मॉडल है जो कि W10 आती है, तो पीछे से गाइस आप लोग देख सकते हो XUV500 महिंद्रा W10, और ऊपर गैस पूरा आपको ब्लैक रूफ देखने मिल जाता है एंड विथ सन रूफ। और ये इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ गैस, इसके एलॉय व्हील्स देखो यार कितने मस्त लग रहे हैं, और गैस ये साइड का भी चढ़ने का जो बार है क्या मस्त लग रहा है भाई, और आगे से लुक देखो यार एक नंबर दिख रहे भाई ये गाड़ी। गैस ये माइकल का वन ऑफ द फेवरेट कार होने वाला है कलेक्शन में मुझे लगता है, क्योंकि भाई बहुत ही प्यारी गाड़ी लग रही है यार। आपको गैस इसकी इंटीरियर दिखा देता हूँ, जैसा आप लोग देख सकते हो गाइस महिंद्रा की ब्रांडिंग स्टीयरिंग पे, और सामने आप लोग देख ही सकते हो पूरा सारे मीटर्स लगे हुए हैं, और ये
इंफोटेनमेंट सिस्टम और राइट में डोर, और पीछे गाइस पूरी हमें सीटिंग देखने मिल जाती है। सो ओवरऑल गाइस ये एकदम तमाम गाड़ी एकदम आग गाड़ी है भाई, XUV500। अभी चलते हैं गाइस, लेके चलते इसको घर पे और पार्क करते गए पार्किंग में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाएंगे, उसके बाद एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भी होगी गाड़ी की। सो गाइस जरूर से यार स्टे ट्यून रहना चैनल पे। अभी चलते हैं गाइस गाड़ी को सिटी में घुमा के देखते हैं यार लोगों का क्या रिएक्शन रहने वाला है, क्योंकि भाई ये ओनली वन XUV500 है पूरे लॉस सेंटर्स में। तो चलते हैं भाई, मारते हैं ऐसे राइट। गाइस एक बार इसका कलर देखो यार, इसके DRL देखो यार क्या ही दिख रहे हैं, इसके हेडलाइट्स, यहाँ पे पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स पूरे देखने मिल जाते हैं, फॉग लाइट्स। भाई नेक्स्ट लेवल गाड़ी यार, क्या ही लुक्स है इसके भाई, एकदम किलर लुक्स है इसका। गाइस थोड़ा हैंडलिंग और इंजन और ब्रेकिंग का टेस्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे सिटी रोड्स पे कैसी चलती है गाड़ी। गाइस का एक्सेलरेशन एज अ SUV तो काफ़ी भाई तगड़ा है। ब्रेकिंग देख लेते हैं भाई, ब्रेकिंग भी काफ़ी मस्त है। गाइस इंडियन कार्स का ना बोलना नहीं पड़ता है क्या क्या मतलब कमी रहती है, बहुत ही कम गाड़ियों बजट गाड़ियों में कमी रहेगी, लेकिन ऐसे बड़े सेगमेंट वाले कार्स में पूरा फुल्ली लोडेड ये लोग फीचर्स दे देते हैं तो कुछ कमी महसूस ही नहीं होती है। जैसे कि गाइस ये गाड़ी, इसका भाई टर्निंग रेडियस देख लो, कुछ सीन ही नहीं है देख लो, फुल गाइस डबल रोड पे पूरी गाइस घूम जाती है गाड़ी, और वो भी एक SUV होते हुए इतनी ह्यूज गाड़ी है फिर भी। और गाइस के अलॉयज तो एकदम मस्त एकदम टायर दे दिए लोग ने, एंड प्लस गाइस इसकी हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है, ये स्पीड नहीं हो रही गाड़ी, आप लोग देख सकते हो एक SUV होते गाइस कितना स्टेबल है यार ये गाड़ी, बहुत ही सॉलिड गाड़ी बनाई यार महिंद्रा। यहाँ से अगर बीच से निकाल के देखते हैं एकदम इजीली निकल गए स्मूथ। यहाँ से राइट लेते हैं हम लोग। गाइस गाड़ी को वाइनवुड वाले घर में रखने वाले आपको बता दूं, क्योंकि भाई माइकल के यार मैंशन तो पूरा गाइस फुल हो गया है पार्किंग ऑलमोस्ट, तो वहां पर हम लोग को गंदा नहीं करना है गाड़ी को, ऐसा बीच में कहीं लगा के दूसरे गाड़ी का जगह रोक देगी, तो हमारे पास दूसरा घर है तो वहां पर खड़ी कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यार बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने में लिटरली, ऐसा ना गाइस इसको चलाने में यार फील हो रहा है कि कोई ऐसा हैवी गाड़ी चला रहा है, और एकदम ऊंची हाइट है, लग रहा है कि पूरा कंट्रोल है गाड़ी का। इसके ऑफ रोडिंग में तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है देखने के लिए कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा भाई, ये कैसे चलाते हैं यहाँ के लोकल्स। अब भी अपनी ब्रांड न्यू कार ठुक जाती और बहुत बुरा लगता, हमें गाइस इसे ठोकना नहीं है और इसे सेफली गैरेज रखना है, ताकि हमें इसे ऑफ रोडिंग और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए अच्छे से निकाल पाए। भाई देख रहे हो क्या भाग रहे यार अपनी वाइनवुड वाली गलियों में गाड़ी। हम लोग ऑलमोस्ट गाइस घर पे पहुंचने वाले, ये आपको दिख जाएगा लाल कलर का, और ये टाटा पंच का आप लोग फिकर मत करना, क्योंकि हमने उसे डीलरशिप पे छोड़ा है तो वो सीमियन कोई असाइन कर देगा, कोई ड्राइवर जो लेके आ जाएगा गाड़ी को सही सलामत। सो ये रहा गाइस अपना XUV500 2019 की इम्पोर्टिंग। आपको कैसा लगा गाइस ये गाड़ी मुझे जरूर बताया ना कमेंट में, मुझे तो भाई काफी नेक्स्ट लेवल और एक बीस्ट गाड़ी लगी। सो यही था गाइस आज के वीडियो के लिए, दैट वाज इट गाइस फॉर टुडे वीडियो, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड पीस आउट।